हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त आरसी जांगिड आज के करंट जीके के साथ में हम पहले देखते हैं कल का क्वेश्चन। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये ऑप्शन अपना ए सही रहेगा, 3.75%। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सरकार ने 21 अक्टूबर तक किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? तो वो किया है बैंकिंग उद्योग को। सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग सेवा को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। बैंकिंग सेवा को इस कानून के प्रावधानों के तहत लाने के बाद 21 अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारी और अधिकारी किसी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है। आज का अपना दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस है वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस वर्ल्ड बुक डे के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा इस वर्ष मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को विश्व पुस्तक राजधानी दो जो विश्व पुस्तक राजधानी है वो यूनेस्को ने मलेशिया की राजधानी को बनाया है कुआलालंपुर, इसको आप ध्यान में रखना, नामित किया है। इस वर्ष यानी 2020 में विश्व पुस्तक दिवस का विषय थीम क्या रहेगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। केएल बाका, केयरिंग थॉट रीडिंग। आज का अपना तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू किया गया था, तो इस दिन की वजह से इसे 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देश भर में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। देश में पहली बार अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 पर एकीकृत ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। आज का अपना चौथा क्वेश्चन रहेगा कि पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो वो की है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वामित्व योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मानचित्रण किया जाएगा। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आज का अपना पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 24 अप्रैल को तो पंचायती राज और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यह वर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया पर नियंत्रण करने के लिए विश्व के प्रयासों के रूप में मनाया जाता है। विश्व मंत्रालय ने जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ के आसान अभियान से मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति शपथ लेने को कहा था। आज का अपना छठा क्वेश्चन है कि किस देश में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नोवल कोरोना वायरस के टीके का परीक्षण शुरू किया गया? तो वो किया गया है ब्रिटेन के अंदर। नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित टीके का मानव पर परीक्षण ब्रिटेन में शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने इस टीके को 80% सफल बताया है। यह टीका हानि रहित चिंपांजी वायरस से बनाया गया है। कौन से वायरस से बनाया गया? चिंपांजी वायरस से बनाया गया है। ब्रिटेन ने इसे परीक्षण शुरू किया है। आज का अपना सातवां क्वेश्चन रहेगा कि किनके द्वारा मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली गई? तो वो है संजय कोठारी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी संजय कोठारी ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक स्वायत्त संस्था है। यह भारत में भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च सरकारी निकाय है।
जिसे 1964 में सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। आज का अपना 8वां क्वेश्चन रहेगा कि किस कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? तो वो खरीदी है फेसबुक ने। फेसबुक ने रिलायंस जियो यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूरसंचार कंपनी में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है कि डॉलर के सौदे में जियो प्लेटफॉर्म्स का प्री मिनी इंटरप्राइजेस वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स फोन एंड डेटा इकाई रिलायंस जो इन्फोकॉम का हिस्सा है, जिसमें जियो मार्ट, जियो सावन और जियो सिनेमा जैसे कई अन्य डिजिटल ऐप शामिल है। आज का अपना 9वां क्वेश्चन रहेगा कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। इन आभासी अदालतों में बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अदालती कार्यवाही की जा सकेगी। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो राजधानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आज का अपना 10वां क्वेश्चन रहेगा कि किसके द्वारा निर्मित कोरोना जाँच के लिए देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया गया है? वो किया गया है डीआरडीओ द्वारा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से तैयार की गई देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। इस लैब का नाम मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसमें हर रोज 1 से 2 हज़ार नमूनों की स्क्रीनिंग की क्षमता है। आज का अपना सवाल रहेगा कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखें।